not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अपने अपने घर में सेफ होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने मेरी लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे जो रूम का एसी है वो एसी हो गया ख़राब एंड मैंने एसी को ठीक करने के लिए बुलाया भी था बट वो एसी ठीक नहीं हुआ। तो अब एसी ठीक नहीं हुआ तो एसी तो नया लेना होगा क्योंकि दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब बिना एसी के नहीं रह सकते। अब जो जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि बहुत गर्मी है और अभी अप्रैल ही है, अभी से इतनी गर्मी है, मई जून में तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो इसलिए अभी एसी नया लेना है। तो मैं और मेरे चाचा जा रहे हैं क्रोमा, या तो क्रोमा से लेंगे या विजय सेल से लेंगे। तो अभी बस चाचा हो चुके हैं रेडी, मैं भी रेडी हूँ, तो मैं जाता हूँ। Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't. So guys, गाड़ी अब पार्क कर दी हमने, अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, पहले कहाँ चलेंगे, क्रोमा या बिग बाजार? तो पहले जाते हैं क्रोमा। गाड़ी पीछे पार्क कर दी हमने। गाइस मॉल देखो, बिल्कुल ही खाली है मॉल, बिल्कुल ही भीड़ नहीं आज। एक तो सुबह का टाइम है और वीकेंड नहीं है, वरना वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और अगर लंच के टाइम पे आए उस टाइम भी भीड़ रहती है वीकेंड्स पे, क्योंकि लोग बाग यही सोचते हैं कि भाई आज संडे तो चलो आज बाहर खाते हैं, छुट्टी है चलो आज बाहर खाते हैं। अभी जाना है, इससे ऊपर वाले फ्लोर पे है क्रोमा। ये देखो, यहीं पे रिलायंस डिजिटल है और आगे है क्रोमा। तो पहले जाएंगे क्रोमा, अगर क्रोमा में मिल जाता है तो ठीक है हमारा एसी, नहीं तो हम यहीं पे आएंगे रिलायंस पे। ये रहा, तो आगे क्रोमा पहले जाते हैं क्रोमा। तो ये रहे भाई एसी, यहाँ पे ये है विंडो एसी और इधर स्प्लिट एसी। तो अभी हम देख रहे हैं स्प्लिट एसी, हम देखेंगे हिटाची या ब्लू स्टार का। One eternity later. So guys, finally एसी हमने ले लिया, अभी चल रही है बिलिंग। और जो सामने एसी है ब्लू स्टार का, सबसे नीचे वाला एसी हमने फाइनल किया है, एसी काफ़ी अच्छा है। बस अब बिलिंग हो जाए फिर एसी हमारा और ये हो जाएगा डिलीवर घर पे। भाई मैं करवा रहा हूँ बिलिंग और चाचा देख रहे हैं यहाँ पे घर के लिए होम थिएटर एलजी का। चाचा आप देखो, मैं करवा लेता हूँ इतने बिलिंग। A few inches later. तो अभी हम आए हैं पंजाबी बाय नेचर, क्योंकि एसी लेने के बाद हमें लग गई थी काफ़ी भूख, सुबह से हमने लंच भी नहीं किया था। तो अभी हमने मंगवाया एक मसाला डोसा और वेज थाली, उसके बाद हम खाना खाने के बाद जाएंगे बिग बाज़ार। तो लंच अब हमने कर लिया है और हमारी भूख भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं बिग बाज़ार घर का सामान लेने। आए तो हम बिग बाज़ार थे, लेकिन ये देखो बिग बाज़ार का क्या हाल हो चुका है, सामान भी डब्बों के ऊपर रखा है। यहाँ से बिग बाज़ार अब बंद हो चुका है और ये पता नहीं क्या खुल गया। घर का सामान तो मिला नहीं गाइस, लेकिन अभी यहाँ पे हम आए शॉपर स्टॉप्स और चाचा को ये दिख गए हैं सनग्लासेस। चाचा देख रहे हैं सनग्लासेस, वैसे ही ट्राई कर रहे हैं। तो मॉल से अब हम कर रहे हैं एग्जिट और हम जा रहे हैं मॉडर्न बाज़ार, क्योंकि बिग बाज़ार बंद हो गया था। तो हम घर का सामान अब मॉडर्न बाज़ार से ही लेंगे। तो गाइस चाचा भी उतर चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ मैकडी, क्योंकि मुझे लेने हैं यहाँ से बर्गर। बर्गर लेने के बाद फिर मैं जाऊँगा मॉडर्न बाज़ार और फिर वहाँ से जाएँगे घर। तो घर के लिए थोड़े से बर्गर ले रहे हैं, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, यहीं पे बिल्कुल मैकडी है। अभी जाके इधर से ले लेते हैं यार, तो बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज एक बार रोड क्रॉस कर लें। तो ये रहा सामने ही मैकडी। तो चलो मैं जाके ले लेता हूँ एक बार बर्गर। A few moments later. तो गाइस बर्गर मैंने ले लिए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ मॉडर्न बाज़ार, क्योंकि चाचा मॉडर्न बाज़ार में है, थोड़ा घर का सामान ले रहे हैं। फिर देखता हूँ चाचा कहाँ पे है अभी यहाँ पे, क्योंकि तीन चार चार या पांच सेक्शन है मॉडर्न बाज़ार में। तो उसके बाद यहाँ सामान लगा चाचा ने ले लिया होगा, तो जाएंगे फिर सीधा घर। अभी देखता हूँ कौन से वाले में है, देखना पड़ेगा आगे जाके। शॉपिंग हो गई है, घर का सारा सामान ले लिया, अभी सामान रख रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं लेके। ये थोड़ा बहुत सामान मैंने ले आया था और अभी और भी सामान आ रहा है, उसके बाद फिर सामान लेके फिर जाएंगे घर पे, क्योंकि बहुत थक गए हैं, सुबह से ही बाहर है अभी हम। चाचा गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन करके, गर्मी पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। आज
की पूरी हो चुकी है, एसी भी हमने ले लिया है, हमारा एसी 3 या 4 दिन में डिलीवर हो जाएगा और उसके अगले दिन एसी इंस्टॉल करने के लिए आ जाएंगे कंपनी वाले, जिस कंपनी का हमने एसी लिया है। मैंने लिया है ब्लू स्टार का एसी जो कि है 1.5 टन का, 5 स्टार है। 5 स्टार उसकी मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग जो होती है वो 5 स्टार है, और 1.5 टन का एसी ब्लू स्टार का तो हमने ले लिया है। अब 3-4 दिन में एसी डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद एसी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे जब एसी डिलीवर होगा उसके नेक्स्ट डे एसी इंस्टॉल हो जाएगा। और भाई हमने शॉपिंग भी कर ली, घर का जो सामान लेना था, बिग बाज़ार से तो ले नहीं पाया, आप लोगों ने देखा होगा बिग बाज़ार बंद हो चुका है, तो इसलिए फिर हम चले गए थे मॉडर्न बाज़ार जो कि है वसंत विहार में, तो वहाँ से घर का सामान ले लिया, वहाँ से फिर अब हम आ गए हैं, मैं हूँ ऑफिस और सारा सामान भी चला गया ऊपर। तो गाइस शॉपिंग पूरी हो गई, ठीक है। अब ये सरदर्दी थी कि भाई एसी ठीक नहीं हो रहा या क्या करना है, कैसे ले, कहाँ से ले, कौन सा ले, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन एसी सच में बहुत अच्छा है, मैंने उसके रिव्यूज़ भी देखे गूगल पे, एसी काफ़ी अच्छा है, तो चलो अच्छी बात है। और तो इसी के साथ तो गाइस मैं ब्लॉग को भी यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड जितना हो सके अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ वीडियो को शेयर करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी अच्छी सी नेक्स्ट ब्लॉग में।